पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की एक सभा का आयोजन कटरानाज स्थित कार्यालय पर किया गया, जिसमें सरकार द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य दिनेश सेठी ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि ये व्यापारी वर्ग की जीत है, कम से कम हम अपनी समस्याओं का निवारण बोर्ड के माध्यम से करेंगे। तो वहीं राजीव सिंह ने कहा कि हमारे बंटने का फायदा हमेशा सरकार ने उठाया, हमें कंधे से कंधा मिलाकर अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। जिलाध्यक्ष दीपक अग्रवाल ने भी व्यापारियों की समस्याओं पर अपने विचार रखे। तो वहीं चेयरमैन नरेश अग्रवाल ने कहा कि भविष्य में इस बोर्ड के माध्यम से सरकार के कानों तक हमारी परेशानी पहुंचेगी। सभा में जयदेव यादव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आज उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य श्री दिनेश सेठी जी सहारनपुर से आए अपने साथियों के साथ, और ये बड़ी खुशी की बात है कि प्रदेश सरकार ने व्यापारियों की परेशानियों की वजह से, असुविधाओं की वजह से और जो गलत टैक्स हो रहा है उसकी वजह से एक ये बोर्ड का गठन किया है जो 15 सदस्यीय है, और इसमें एक अध्यक्ष है, 3 उपाध्यक्ष हैं और 11 सदस्य हैं। ये सब जगह जाकर व्यापारियों से समस्याएँ हैं जो ओरिजिनल है, सही है, बाकी व्यापारी उत्पीड़ित करती हैं उस समस्या को सुनेंगे, समझने के बाद सरकार के पास अपना पक्ष रखकर उन समस्याओं को सॉल्व कराएंगे, और इससे भविष्य में व्यापारियों को जो असुविधा होगी उसका फायदा होगा। ये अच्छा है काम गवर्नमेंट ने किया है, और ये अगर कुछ साल पहले और कर देते तो और ज़्यादा अच्छा रहता। जो कष्ट व्यापारियों पीछे हुआ है वो नहीं होता। अब हमें उम्मीद है कि आगे हमारे कष्ट का निवारण होगा, और ये बड़ी खुशी की और अच्छे संकेतों का आभास हो रहा है कि व्यापार आगे सही हो जाएंगे। दिनेश सेठी उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड का सदस्य हैं। मुरादाबाद में अपने व्यापारी साथियों के साथ मिलकर भाजपा को सपोर्ट करने के लिए कि जो 23 तारीख को है चुनाव मुरादाबाद में, उसमें भाजपा कैंडिडेट के प्रति अपना समर्थन दें और भाजपा को जितवाएं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने में सहायक बने। मुरादाबाद की जनता से यही अपील है कि आने वाले हमारे जो समय हो, चहुमुखी विकास हो मुरादाबाद का, और उसके लिए मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। उसके लिए पूरे, अभी हम सहारनपुर से आए थे, 5 हाईवे पड़े, 5ों पर भयंकर तरीके से काम चल रहा है, निर्माण चल रहा है। तो उसके लिए आप उन्हें सबसे यही निवेदन है कि भाजपा को सपोर्ट करें, और ये तो वैसे तो व्यापारियों की पार्टी कहलाती है भाजपा, लेकिन सबका साथ मिलेगा और सबका विकास होगा। जो मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, उसमें मोदी जी काम भी कर रहे हैं और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से देश की रक्षा करने के लिए उनका बनना जरूरी है। आज हमारे बीच में दिनेश सेठी जी जो उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य हैं, वो आए हैं, और उनके साथ आज व्यापारी बंधुओं के बीच में बैठना हुआ है अलग अलग व्यापार मंडलों के माध्यम से। मेरा एक नम्र निवेदन है अपने सभी व्यापारी भाइयों से और समस्त समाज से कि इस बार का जो ये चुनाव है ये कोई आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव एक धर्म युद्ध है। एक तरफ आसुरी शक्तियां हैं और एक तरफ हमारे आदरणीय मोदी जी हैं। जिस प्रकार महाभारत के अंदर आपने जाना होगा, अभिमन्यु को घेर कर मारने का प्रयास किया और बाद में कौरवों ने वो सफल हुए उसमें, ठीक इसी प्रकार पूरा विपक्ष आज आदरणीय मोदी जी को घेरे हुए हैं। और मुझे लगता है कि इस समय हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, और मैं केवल एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि हम अधिक से अधिक संख्या में जाकर मतदान करें, स्वयं मतदान करें और दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें, क्योंकि हमारे देश का जो भाग्य है वो इस लोकसभा चुनाव पर निर्भर है। ये चुनाव ही ये तय करेगा कि देश आगे किस दिशा में जाएगा। मेरा विनम्र निवेदन है सभी से कि इस बार मतदान में बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा लें और अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।